हेलो गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने। और आज हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। सो मंडे का दिन है, नई चीज़ें हैं, नए करेंट अफेयर्स हैं और हमें देखना है कि हम कितने तैयार हैं। सो आपका आज का जो करेंट अफेयर्स है ये यूपी के मैप के ऊपर बेस है एंड ये क्विज के फॉर्म में है। सो आ जाइए, इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सो 13 अप्रैल की तारीख है और आपका जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है ये। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सारे के सारे प्रश्नों की जो आपकी PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस लिंक को आप प्रेस करेंगे, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन और इसके साथ में जो डिटेल कंटेंट है उसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। सो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपसे, इसमें बोला जा रहा है कि केंद्रीय भंडार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए गृह मंत्रालय, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डी है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। सो अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग में लगाओगे तो यही बोलोगे यार ये ठीक है, ऐसा कुछ सब कुछ ठीक है कि ये आ जाएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया है। बट आप ये कहोगे करेंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है, अभी पता चलेगा। देखिए खैर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, कार्मिक मंत्रालय या लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये आपका केंद्रीय भंडार जो है उससे संबंधित है। खैर देख लेते इसके बारे में क्या, कि हाल ही में केंद्रीय भंडार जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है ने जारी हड़ताल के दौरान जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक किट प्रदान करने की क्या करी है, एक अनूठी पहल स्टार्ट करी है। देन आपको बता दूं कि केंद्रीय भंडारण ने COVID-19 के मद्देनजर दिल्ली में जागरूक परिवारों या जरूरतमंद परिवारों को वितरण के लिए 2200 आवश्यक किट तैयार की हैं। आपको ये नंबर ऑफ किट याद रखना है कि 2200 किट्स के बारे में आपसे बोला जा रहा है, जिसमें या इस तरह की किट में 9 आइटम होंगे जिनमें चावल होगा, गेहूं होगा या गेहूं का आटा होगा, दाल, कुकिंग ऑयल, आपका पोहा, नमक, स्नान का साबुन और डिटर्जेंट साबुन बार और बिस्कुट शामिल है। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको DOPT के अंतर्गत मिलती हैं। देन आपको मैं बता दूं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड को केंद्रीय भंडार के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको बोल सकते हो द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इज प्रॉपरली नोन एज केंद्रीय भंडार। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड या इट वॉज सेटअप इन 1963 एज अ वेलफेयर प्रोजेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पब्लिक एट लार्ज। आपको बता दूं कि यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तत्वाधान में काम कर रहा है और सहकारी समितियों के दिल्ली रजिस्ट्रार के लिए साथ में पंजीकृत है। यह था, आपको बता दूं कि इसे सितंबर 2000 में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार भारत सरकार के साथ एक बहुराज्य उपभोक्ता सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था। देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, इसमें बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है, सुरक्षित मातृत्व दिवस 2020 का विषय क्या है। ए माताएं और दवाइयां, बी सम्मानित मातृत्व देखभाल, सी COVID-19 के समय में सुरक्षित मातृत्व, डी है आपका गर्भावस्था विशेष है, आइए इसे सुरक्षित बनाएं। सो भाई आपको मैं अगर इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो ये जो 11 अप्रैल को मनाया गया आपका सुरक्षित मातृत्व दिवस था, इसका जो विषय था वो था COVID-19 के समय सुरक्षित मातृत्व। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को उचित स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सुविधाओं के बारे में जागरूक करा जा सके या जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन बाल विवाह की रोकथाम के लिए भी जागरूकता बढ़ाता है जो मातृमृत्यु या का एक अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य जुड़े क्षेत्रों में काम कर रही कई संस्थाओं के संगठन व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, मैं आपको बता दूं करीबन 1800 संस्थाएं से जुड़ी हुई हैं, ने सुरक्षित मातृत्व की दिशा में जागरूकता लाने के लिए सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की पहल करी है। 2003 से भारत सरकार आपका ये जो डे है सेलिब्रेट कर रहा है और इस पूरे के पूरे WRAI को 1999 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। यह भारत विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने 11 अप्रैल 2003 को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर यह दिवस घोषित किया था। वह राष्ट्र के पिता महान मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी है। कस्तूरबा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में ही हुआ था। इस वर्ष कस्तूरबा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई है, इस चीज को याद रखिएगा। देन आपसे बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2020 का जो विषय है वो COVID-19 के समय सुरक्षित मातृत्व है। सो इसको नोट डाउन कर लेंगे, देख लीजिए भाई। देन नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, इसमें बोला जा रहा है कि हाल ही में नासा ने अपोलो 13 सक्सेसफुल फेलियर की डैश वर्षगांठ मनाई है, 50वीं, 69वीं, 45वीं, 30वीं। सो भाई इसकी जो वर्षगांठ है वो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आप देख लेते हैं कि अपोलो 13
सक्सेस और फेलियर की कहानी क्या है। सो भाई देखो कि 11 अप्रैल को नासा ने अपोलो 13 सक्सेसफुल फेलियर की 150वीं वर्षगांठ मनाई। अपोलो 13 चंद्रमा के लिए नासा का तीसरा चालक दल था जो 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया गया था। दो दिन के बाद में 13 अप्रैल को जबकि मिशन को चंद्रमा के लिए गर्म मार्ग दिया गया था, सेवा मॉड्यूल के ऑक्सीजन टैंक में से एक की विद्युत प्रणाली में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें दोनों ऑक्सीजन टैंक फेल हो गए और इससे विद्युत शक्ति का भी नुकसान हुआ। खैर आपको बता दूं कि कमांड मॉड्यूल अपनी बैटरी और ऑक्सीजन टैंक पर कार्यशील रहा, लेकिन ये केवल मिशन के अंतिम घंटों के दौरान उपयोग करने योग्य था। चालक दल ने कमांड मॉड्यूल को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी की यात्रा के दौरान लूनर मॉड्यूल को लाइव बोट के रूप में इस्तेमाल किया। सीमित शक्ति के बिना, गर्मी की कमी और पीने योग्य पानी की कमी के कारण बड़ी कठिनाई के बावजूद चालक दल पृथ्वी पर लौट आया और मिशन को सफल विफलता कहा गया। सो आप इसको समझ सकते हो कि ये पूरी की पूरी कहानी क्या है। देन आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे मेंबर्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड थे। देन आपको नासा के बारे में बताऊं, आप कई बार इस चीज़ में पढ़ चुके होंगे कि नासा का मतलब है राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन। इसके संस्थापक ड्वाइट डी आइवनहावर हैं। 29 जुलाई 1958 को इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। साधारण रूप से हम इसको यूएस बोलते हैं। एंड इसके जो प्रशासक हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, इसका जो मोटो है या बोलोगे जो आपका आदर्श वाक्य है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक, सो आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं आपका प्रश्न। आपसे बोला जा रहा है कि बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय मम्मी बेगम अख्तर की जीवनी पर आधारित पुस्तक की लेखिका कौन थी? कविता घोष थी, शांति हीरानंद थी, आपकी अरुणती राय थी या पूजा त्यागी थी? तो भाई शांति हीरानंद जी जो है वो इसकी क्या है, आपकी राइटर है, लेखिका है। आज इनका निधन भी अभी हाल ही में हुआ है और ये पद्मश्री प्राप्तकर्ता भी हैं। सो पद्मश्री प्राप्तकर्ता और बेगम अख्तर की शिष्या प्रभात प्रख्यात भारतीय गायिका शांति हीरानंद का 10 अप्रैल 2020 को गुरुग्राम में निधन हो गया। 87 वर्ष की वो थी। शांति हीरानंद का जन्म लखनऊ में 1932 में हुआ था। शांति हीरानंद के पिता एक बिजनेसमैन थे जो 1940 के दशक में लाहौर चले गए थे। वह एक भारतीय गायिका, शास्त्रीय संगीतकार और लेखिका थी जो गजल गायिका के गायन में दक्ष थी। देन वह बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी जो एक प्रसिद्ध गजल गायिका बेगम अख्तर पर जीवनी की रचना उन्होंने करी थी। भारत सरकार ने उन्हें हिंदुस्तानी संगीत में उनके योगदान देने के लिए 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। देख लीजिए भाई, ये हैं आपकी हीरा चंद जी। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आपसे बोल रहे हैं अनाक क्रकाटोवा ज्वालामुखी हाल ही में खबरों में देखा गया, यह किस स्थान पर स्थित है? सो भाई बिना कुछ ऑप्शन दिए हुए मैं बता देती हूँ कि आपका जो अनाक क्रकाटोवा है ये आपके इंडोनेशिया में लोकेटेड है या स्थित है। साल 1883 में 36,000 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला इंडोनेशिया का अनाक क्रकाटोवा ज्वालामुखी फिर से फूट पड़ा है। राजधानी जकार्ता जो कि इस ज्वालामुखी से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है वहां इसके धमाके की आवाज सुनी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से हवा में 15 किलोमीटर ऊपर तक ज्वालामुखी का धुआं रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर 2018 के बाद में यह सबसे तीव्र विस्फोट है। देन आपको बता दूं कि करीब 357 मीटर ऊंचाई वाला यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। 1883 में क्रकाटोवा में हुआ विस्फोट दुनिया का सबसे भयावह ज्वालामुखी विस्फोट है जिसने 36,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल लेवल पर तापमान में बढ़त देखी गई है इसी की वजह से। देन आप देख सकते हो कि अनाक क्रकाटोवा एक ज्वालामुखी द्वीप है जो इंडोनेशियाई प्रांत लंपोंग, इसका नाम याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, जो कि जावा और सुमात्रा के द्वीपों के बीच सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। देन आपको बता दूँ 1883 में ज्वालामुखी विस्फोट ने क्रकाटोवा द्वीप को नष्ट कर दिया था। 1927 में एक नया द्वीप दिखाई दिया कॉल्डेरा जिसका अर्थ है क्रकाटोवा का बच्चा। तो आप इसको समझ सकते हैं, देख लीजिए भाई क्रकाटोवा की इमेजेस हैं कुछ। देन नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू करा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने? तो आप देख करके ही समझ सकते हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया होगा। देन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने 10 अप्रैल 2020 को भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने के विचारों के लिए या उसके समूह के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ को सीधे सुझाव समाधान साझा करने के लिए आमंत्रित करना है।
देश भर के शिक्षक भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के साथ योगदान देने के लिए आगे आ सकते हैं। आपसे नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष, ठीक है, अंशकालिक अध्यक्ष यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमंत शर्मा को, रवि मोहन को, राज विकास वर्मा को या नितिन चुघ को? सो भाई राज विकास वर्मा को आपके AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इनके बारे में। राज विकास वर्मा को एक वर्ष की अवधि के लिए AU लघु वित्त बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय अग्रवाल को प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था, जबकि AU लघु वित्त बैंक के 3 साल के लिए पूर्णकालिक निर्देशक उत्तम टिबरेवाल थे। नियुक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमोदित किया गया था। आपको बता दूं अग्रवाल जी के बारे में, संजय अग्रवाल जी के बारे में, कि अग्रवाल 1996 में इसकी स्थापना के समय से ही AU लघु बैंक से जुड़े हुए हैं। सो आगे बढ़ देते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न में। अगर मैं अबाउट राज विकास वर्मा के बारे में बताऊं, सो राज विकास वर्मा, को 2018 में AU बैंक के साथ एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। वे नेशनल हाउसिंग बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक थे। वर्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से प्रमाणित सहयोगी थे। वर्मा को वित्तीय सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से विकास वित्त, नियामक पर्यवेक्षण, आवास वित्त, बंधक वित्त और रियल इस्टेट क्षेत्र में लगभग 37 वर्षों का प्रबल अनुभव है। देन AU स्मॉल बैंक के बारे में बताऊं तो ये बैंक या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जिसे 1996 में वाहन वित्त कंपनी AU फाइनेंसेस इंडिया लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था और 19 अप्रैल 2017 को एक छोटे वित्त बैंक के रूप में बदल दिया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर राजस्थान में है एंड इसका जो टैगलाइन है, चलो आगे बढ़ें, ठीक है, आपको याद रखना है चलो आगे बढ़ें। सो आपसे बोला जा रहा है कि जलियांवाला बाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 151वीं वर्षी मनाई गई है, ठीक 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलियां चलाकर हत्या को अंजाम दिया था। तो भाई इसमें आपको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 की तिथि थी। आप 151वीं या कौन सी जयंती है, आप इसको बरसी है, आप उसको देख सकते हो। सो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट ही आपका बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में किसको नहीं पता। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 101वीं बरसी है। 13 अप्रैल 1919 को आज से ठीक 101 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर के ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हजारों मासूम लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। 1919 में बैसाखी मनाने के लिए देश भर से लोग पंजाब के अमृतसर पहुंचे थे। उस वक्त ब्रिटिश सरकार के बनाए कानून रॉलेट एक्ट का विरोध जोर पकड़ रहा था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के बैसाखी के एक दिन पहले ही कर्फ्यू लगा दिया, साथ ही लोगों को एक साथ इकट्ठा ना होने का फरमान जारी कर दिया, ठीक। देन आपसे बोला जा रहा है कि 13 अप्रैल की सुबह लोग स्वर्ण मंदिर में दर्शन के बाद लोगों ने धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटना शुरू किया। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के ब्रिगेडियर जनरल डायर को किसी ने खबर कर दी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। खबर मिलते ही डायर सिपाहियों के साथ बाग में पहुंचे और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का फरमान सुना दिया। अंग्रेजों की गोलीबारी से घबराई बहुत सी औरतें अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए कुएं में कूद गईं। निकास का रास्ता संकरा होने के कारण बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग गोलियों से की चपेट में आ गए। इसके अलावा 13 अप्रैल 1669 को 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसी दिन फसल पकने की खुशी में बैसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज को भारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के लिए NZPA के वर्ष के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्टोमेक कमिंग्स को, जेम्स कैमरॉन को, मिशेल जॉनसन को या टिम साउदी को? भाई आपका जो आंसर है यहाँ पे है डी, टिम साउदी। क्यों किया गया, कैसे किया गया, आप देख सकते हो कितने वर्ष के हैं। न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज के अगुआ टिम साउदी को भारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के लिए 8 अप्रैल 2020 को न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के एक वर्ष में आप बोलोगे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि महिलाओं के यह पुरस्कार सोफी डिवाइन को मिला है। महिलाओं में यह पुरस्कार महिला की आपकी सोफी डिवाइन को प्राप्त हुआ है। देन टिम साउदी ने करीबी मुकाबले में कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा और भारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए अपने करियर में दूसरी बार द प्लेयर कप हासिल किया है। टिम साउदी ने यह पुरस्कार दूसरी बार हासिल किया और 2 से ज्यादा बार हासिल करने वाले खिलाड़ियों में केन विलियमसन और रोस ट्रेलर की लिस्ट में वे शामिल हो गए हैं। टिम साउदी को सम्मानित करते हुए ये कैप डेनियल विक्टोरी ने सौंपी। देन आपको बता दूं कि साउदी ने इस साल में या इस साल के शुरुआत में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 14 विकेट लिए थे। टिम साउदी ने टेस्ट सीरीज में अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी वो रहे थे।
यह पुरस्कार भी ऑनलाइन ही दिया गया क्योंकि COVID-19 महामारी के कारण सभी प्रतियोगी और कार्यक्रम रद्द या स्थगित कर दिए गए। देन ये हैं टीम सऊदी, इनको आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वह व्यक्तियों और व्यवसायिक संस्थाओं को डैश रुपए कैप के सभी लंबित आयकर रिफंड जारी करेगा। बिना कुछ आगे बढ़े मैं बता देती हूँ कि आयकर विभाग ने घोषणा करी है कि वह अपने सभी व्यक्तियों और व्यवसायिक संस्थाओं को 5 लाख रुपए तक के सभी लंबित आयकर रिफंड जारी कर देगा। सो भाई देख लीजिए, द टैक्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इमीडिएटली विदड्रॉ द पेंडिंग टैक्स रिफंड अप टू ₹5 लाख। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST एंड कस्टमर रिफंड्स विल ऑल्सो बी इश्यूड इन विच इंस्टेंट कैश विल बी प्रोवाइडेड टू अबाउट 1 लाख बिजनेसेस Entities including micro, small and medium enterprises MSME. So आयकर विभाग ने 5 लाख रुपए तक के लंबे टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सभी माल और सेवा कर और सीमा शुल्क रिफंड भी कर दिए जाएंगे जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों सहित लगभग 1 लाख व्यापारिक संस्थाओं को शामिल किया गया है और उनकी तत्काल नकदी उनको प्रदान कर दी जाएगी। इस कदम से 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा। देन आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। इनकम टैक्स रिफंड के अलावा सभी लंबित GST और कस्टम रिफंड को भी रिलीज किया जाएगा। इसके तहत 1 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। सरकार कुल 18,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी करेगी। आयकर विभाग के अनुसार COVID-19 से जुड़ी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने करदाताओं को तत्काल राहत देते हुए 5 लाख रुपए तक के सभी लंबित आयकर रिफंड एवं GST कस्टम या कस्टमर रिफंड तत्काल जारी करने का फैसला किया है। इनकम टैक्स विभाग के बारे में बताऊं तो आयकर विभाग जिसे IT विभाग या IT के रूप में ITD के रूप में जाना जाता है, यह भारत सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह करने वाला एक सरकारी एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1860 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है एंड प्रेजेंट टाइम में जो जिम्मेदार मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण, जिनको आप वित्त मंत्री के तौर पर जानते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे के सारे करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। मैं आपको साइड से खड़े होकर के ये सारी चीज़ें बताती हूँ और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी भी इसको या इसका PDF डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप प्रेस करके उसके मेंबर बनके इन सारी की सारी जो PDFs हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू अगेन, बाय बाय।